नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल देव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपको क्या अच्छे और बुरे परिणाम वो प्राप्त कराएंगे, ये आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न और मंगल देव के बारे में कुछ साधारण सी बातें शेयर करना चाहेंगे। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, और मंगल देव जो है जिस किसी भी भाव में विराजमान हो से वहाँ से तीन ग्रहों को प्रभावित करते हैं। ये अपने से चौथे, सातवें और आठवें ग्रह को प्रभावित करते हैं। मंगल देव की उच्च राशि होती है मकर राशि, मंगल देव की नीच राशि होती है कर्क राशि। मंगल देव कुंडली के दशम घर में होते हैं दिशा बली। मंगल वृश्चिक लग्न की कुंडली में जिन जिन ग्रहों को प्रभावित करेंगे उनसे सभी से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बस 6, 8, 12 और नीच राशि के घर को छोड़कर मंगल आपको आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। बात करते हैं मंगल देव जब कुंडली के फर्स्ट हाउस में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी और बुरी चीजें देंगे। देखिए फर्स्ट हाउस में मंगल जब विराजमान होंगे तो इनकी दृष्टि जाएगी चतुर्थ घर पर, सप्तम घर पर और अष्टम घर पर मंगल की दृष्टियां रहेगी। लग्न में मंगल हो तो यह मंगल दोष का निर्माण करेगा, लेकिन मंगल दोष का परिहार यह है कि जब लग्नेश होकर मंगल अगर मंगल दोष बनाए तो वो मंगल दोष की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर वैवाहिक जीवन से परेशान हैं तो मंगल के कुछ उपाय करिए, आपको मंगल की वजह से परेशानी है, मंगल दोष की वजह से नहीं है। लग्न में जब मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छे जीवन में परिणाम प्राप्त करता है। डिसीजन मेकिंग ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, ऐसे जातक के अंदर कार्य करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति ऐसे कार्य ज़्यादा करता है जिसमें उसको शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करना पड़े। जातक बहुत मेहनती होता है। मंगल की मां दशा में ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। चौथे घर पर दृष्टि है माता भूमि मकान वाहन का, हर चीज का सुख यहाँ पर मंगल देने का काम करता है। सप्तम घर पर दृष्टि है दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने का काम मंगल करेगा, व्यापार अच्छे से चलाएगा, कंपिटिशन एग्जाम्स हो गए या फिर आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो मंगल अच्छे से आपको करेगा। अष्टम भाव पर दृष्टि है तो ऐसे व्यक्ति को एक चीज कहना चाहूंगा, ऑब्स्टिकल्स अगर जीवन में कुछ आते हैं, एमसेक सट्टेबाजी में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो मंगल के दशा अंतरदशा का इंतजार करिए, जीवन में आपको अच्छे परिणाम देगा। यहाँ पर विराजमान मंगल आपके लिए रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। ये योग जीवन में आपको हर चीज की सुख समृद्धि प्रदान करने वाला होगा। जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी आपको नहीं रहेगी, हर तरीके से जीवन में सुख समृद्धि देने वाला ये योग होता है। यहीं पर बात करते हैं मंगल जब सेकंड हाउस में कुंडली के विराजमान होंगे तब क्या अच्छे बुरे परिणाम होंगे। सेकंड हाउस में मंगल जो है अपनी चौथी दृष्टि से पांचवें, अपनी सातवीं दृष्टि से आठवें और अपनी आठवीं दृष्टि से नवें घर को देखेंगे। मंगल यहाँ पर लग्न के स्वामी होकर सेकंड हाउस में आए हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति धन परिवार कुटुंब का भरपूर साथ अपने जीवन में प्राप्त करता है। ऐसे जातक के परिवार में धन का आगमन बहुत अच्छे तरीके से होता है, लेकिन कुछ वाणी यहाँ पर मंगल जो है उग्र दे देते हैं क्योंकि मंगल एग्रेसिवनेस के स्वामी होते हैं। मंगल की महादशा में ऐसे जातक का जिसका कार्य नहीं बन रहा होता है, कुछ न कुछ रुकावटें आती है, वो दूर हो जाती है। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बना देते हैं क्योंकि चौथी दृष्टि से पंचम घर को देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ऐसा व्यक्ति हर तरीके से कह लीजिए जीवन में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण ऐसा व्यक्ति करने वाला होता है। भाग्य भाव पर दृष्टि है पिता का सुख ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है जीवन में। और यहाँ पर एक चीज आप नोट करके रखिएगा, ऐसा व्यक्ति एमसेक सट्टेबाजी इन चीजों से भी अच्छा पैसा जीवन में प्राप्त करता है। घड़े हुए धन की प्राप्ति भी यहाँ पर होने के योग होते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपको देखनी आवश्यक होगी। यही पर बात करते हैं मंगल जब थर्ड हाउस में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीज होगी। तीसरे घर में मंगल, यहाँ पर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ पर तीसरे घर में मंगल जो है उच्च का होता है क्योंकि इनकी उच्च राशि आती है मकर राशि। मंगल का यहाँ पर विराजमान होना है, यहाँ से मंगल छठे, नवे और दसवें घर को प्रभावित करेंगे। जातक बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है, पराक्रमी होता है, जीवन में कभी भी पराक्रम से
नहीं कतराता है, जीवन में बहुत ज्यादा परिश्रम करता है अपनी चीजों को पाने के लिए। जातक जितना परिश्रम करता है उतना उसका भाग्य साथ देने वाला होता है। जीवन में कभी भी उसका बिना परिश्रम से कोई भी काम नहीं बनता है। छोटे भाई का योग बनता है, पिता से संबंध बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कुछ हद तक लड़े झगड़े मनमुटाव की स्थितियां बन जाती है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो अच्छे संबंध होंगे। विदेश यात्रा ऐसा व्यक्ति करता है, रोग ऋण शत्रु इन चीजों से भी जीवन में इसे बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम मंगल यहाँ पर देने वाले होते हैं और यहाँ पर भाग्य बहुत उन्नति रहती है व्यक्ति की। कार्य क्षेत्र ऐसा चॉइस करता है जिसमें उसको बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़े, यहाँ पर आर्मी वगैरह डिफेंस अकेडमीज में ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे कार्य करता है, प्रोफेशनल होता है और बहुत अच्छी मेहनत करके अपने भाग्य को निर्माण करने वाला होता है। मंगल बहुत अच्छी स्थिति में होने की वजह से ऐसे व्यक्ति से हर व्यक्ति प्रभावित रहता है। यहीं पर बात करते हैं चौथे घर में मंगल क्या अच्छे परिणाम देगा। चौथे घर में मंगल विराजमान होकर पहली दृष्टि देगा सातवें घर पर, उसके बाद दसवें घर पर, उसके बाद ग्यारहवें घर पर। सप्तम घर पर मंगल की जो दृष्टि है, यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मंगल यहाँ पर मंगलिक दोष भी बनाते हैं। मंगल यहाँ पर कुंभ राशि के आएंगे और मंगल जो है वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां देने का काम आपके कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बच के रहे, मंगल के उपाय कर ले। मंगल चौथे घर में होने की वजह से माता भूमि मकान वाहन हर चीज का सुख आपको प्रदान करेंगे, कामकाज आपका बेहतर स्थिति में देंगे, डिफेंस एकेडमीज वगैरह इनमें आप काम करेंगे, जहां पर मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़े वो काम आपको पसंद होगा। लेकिन ये डिग्री बेस्ड कैपेबिलिटी देख लीजिएगा, अगर डिग्री अच्छी है तो ज्यादा मेहनत के काम करेंगे, कम है तो कम मेहनत का काम करेंगे। विदेश सेटलमेंट की संभावना यहाँ पर मंगल देता है। दाम्पत्य जीवन कुछ हद तक अच्छा ही रहता है लेकिन देरी से शुरू होता है, दैनिक आय में उन्नति होती है और बड़े भाई बहनों का सहयोग भी ऐसे व्यक्ति को पूरा मिलता है। और एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, ऐसे जातक का मंगल जो है वो इच्छा पूर्ति करवाने वाला होता है। जीवन में इनकम सोर्स अच्छी रहती है, आय जो है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे से प्राप्त कर लेता है और हर इच्छाओं की पूर्ति ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो जाती है। बात करते हैं मंगल जब फिफ्थ हाउस में विराजमान होंगे तब क्या अच्छे बुरे परिणाम होंगे। चौथी दृष्टि आठवें घर पर और सातवीं दृष्टि ग्यारहवें घर पर और आठवीं दृष्टि बारहवें घर पर मंगल की रहेगी। जातक जो है वो बहुत सुजवान होता है, माइंडेड होता है, अचानक लाभ की स्थितियां जीवन में बनती रहती है। ऐसे व्यक्ति कुछ हद तक लव लाइफ लव अफेयर्स में भी इन्वॉल्व रहते हैं, बड़े भाई बहनों से संबंध ऐसे व्यक्ति के बहुत अच्छे होते हैं। लाभ में इंक्रीज यहाँ पर मंगल करता है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा गेंस करवा देता है, स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है, पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बना देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में। जातक जो है कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे वगैरह इनसे भी बहुत जीवन में तरक्की प्राप्त करता है। और एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, ऐसा व्यक्ति जीवन में व्यय के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, यानी कि खर्चा करने में थोड़ा सा उसे मतलब कि कंजूस कह सकते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा कम करने वाला होता है व्यक्ति। हॉस्पिटल के खर्चे वगैरह ऐसे व्यक्ति को कभी कभी परेशान कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा भी बहुत अच्छे तरीके से करता है, विदेश में सेटलमेंट भी हो सकता है अपनी नॉलेज के कारण। जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की ऐसा व्यक्ति करता है, नॉलेज बहुत अच्छी, विद्या सुख बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का। यहीं पर बात करते हैं छठे घर में मंगल का विराजमान होना क्या अच्छी बुरी चीज़ें देगा। देखिए छठे घर में जब मंगल विराजमान होंगे अपनी चौथी दृष्टि से भाग्य भाव को, अपनी सप्तम दृष्टि से व्ययश और अपनी अष्टम दृष्टि से लग्न के घर को देखने वाले होंगे। यहाँ पर मंगल जो है कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चों में बढ़ोतरी करने वाले रहेंगे। दुर्घटना का भय कोई ना कोई आपको बना हुआ रहेगा। कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपको जो रिजल्ट चाहिए वो प्राप्त होगा। मंगल की मां दशा में कोई ना कोई टेंशन यहाँ पर मंगल आपको देते रहेंगे। कुटुंबजनों का या आप समझिएगा परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध जो है वो कुछ हद तक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई समस्या देने का काम मंगल यहाँ पर करेंगे। एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, मंगल चौथी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे तो कुछ ना किसी किसी हद तक आपको जो है मंगल नौकरी देने का काम करेंगे। उस नौकरी से आपका भाग्य जो है निर्माण हो सकता है। पिता से आपके संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पर मंगल देने का काम कर सकते हैं। धर्म में आपकी रुचि थोड़ी सी कम रहेगी। मंगल जो है यहाँ पर खर्चे भी कुछ बढ़ाएंगे, आपके विदेश के खर्चे हो सकते हैं, हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, रात में आपको नींद नहीं आना, इस तरीके की समस्या मंगल देने का काम करेगा। लग्न पर जो मंगल की दृष्टि है एग्रेसिवनेस आपके अंदर भर देगा, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आएगा और मंगल की वजह से आप कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जैसे कि जिम्नास्टिक वगैरह का ये काम हो गए, इनमें भी आप बहुत ज़्यादा
फेमस होंगे और इन चीजों में आप इन चीजों से जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है इन चीजों का कारक होता है। एक चीज मैं आप पर आपसे कहना चाहूंगा, यहाँ के मंगल को अगर आप सही करते हैं तो जॉब आपकी अगर नहीं है तो नौकरी देने का काम मंगल यहाँ पर कर सकते हैं। यहीं पर बात करते हैं, मंगल जब सप्तम घर में विराजमान होंगे तो क्या अच्छे बुरे परिणाम होंगे। सप्तम घर में मंगल का विराजमान होना, यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि कर्म के घर पर, सप्तम दृष्टि लग्न पर और अष्टम दृष्टि धन भाव पर डालेंगे। मंगल जब सप्तम में विराजमान होंगे तो ये मंगल दोष का निर्माण करेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां, अलगाव की स्थितियां मंगल यहाँ पर प्रदान करेंगे। जातक जातिका का वैवाहिक जीवन जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रह सकता। मंगल की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी ज्यादा है तो आपके और आपके पार्टनर के बीच एग्रेसिवनेस की वजह से आपका वैवाहिक जीवन अनस्टेबिलिटी में रहेगा। यहीं पर अगर देखा जाए तो मंगल जो है आपके पार्टनरशिप के बिजनेस को भी अनस्टेबिलिटी देंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस में भी आपको उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पति पत्नी झगड़ालू प्रवृत्ति के इस टाइम पर रहेंगे और व्यवसाय व साझेदारों से लाभ प्राप्ति का कुछ योग यहाँ पर मंगल आपके बना ही देंगे। यहाँ से मंगल की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर जा रही, तो कार्य क्षेत्र आप जो है कुछ ऐसा, जैसे कि समझ लीजिए कि पार्टनर से रिलेटेड हो गया, या फिर कुछ ऐसा काम आप पसंद करेंगे जिसमें आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपनी चलती हो, या इस तरीके का काम आप पसंद करेंगे जिसमें लोग आपके नीचे ज़्यादा काम करते हो, ऐसे कार्य करना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। वो काम भी ऐसे होंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती हो। कार्य क्षेत्र यहाँ पर मंगल आपको जल्दी से चॉइस कर देगा और वैवाहिक जीवन शुरू होने से पहले ही आपका कार्य क्षेत्र शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मंगल की जो दृष्टि है आपके लग्न घर पर, तो एग्रेसिवनेस आपके अंदर कुछ न कुछ देगा मंगल। और धन परिवार कुटुंब से रिलेटेड भी अच्छी चीजें आपके रहेगी। शादी होने के बाद, वैवाहिक जीवन शुरू होने के बाद आपके धन परिवार कुटुंब की स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। वाणी कठोर होने के कारण वाणी के घाव पर भी मंगल की दृष्टि है, तो वहां पर आपको परेशानियां जीवन प्राप्त हो सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में भी उतार चढ़ाव आपको अपनी वाणी की वजह से देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। और प्रोफेशनल लाइफ हो या दाम्पत्य जीवन की पर्सनल लाइफ हो, जिससे भी बात करें थोड़ा वाणी पर कंट्रोल रखकर बात करें, आपके जीवन की कोई भी परेशानी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। बात करते हैं अष्टम भाव में मंगल क्या फल देंगे। अष्टम भाव में मंगल चौथी दृष्टि 11वें घर पर, सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस पर और थर्ड दृष्टि जो है इनकी वो डालेंगे। यहाँ मंगल अष्टम भाव में होने की वजह से जातक के हर काम में रुकावटें आती रहती है। मंगल की महादशा अंतरदशा में कुछ न कुछ टेंशन आपको परेशान करेगी। यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ, मंगल जो है आपके लग्न का स्वामी होकर अष्टम भाव में आया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अध्यात्म में अपनी रुचि दिखाइए, मंगल अच्छे परिणाम आपको देना शुरू कर देगा। लोगों में मीठा बाटी है, जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मंगल की दशा अंतरदशा में टेंशन आपको कुछ न कुछ बनी हुई इस टाइम पर रह सकती है। लाभ में प्रॉफिट में कमी देने का काम मंगल करेंगे। बड़े लोगों से आपकी नहीं बनेगी, बड़े लोगों से कुछ न कुछ परेशानी आपको आपके जीवन में प्राप्त होती रहेगी। धन परिवार कुटुंब का सहयोग भी आपको जीवन में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। धन की हानि बहुत ज़्यादा होती रहेगी। कोर्ट केस के योग भी यहाँ पर मंगल कुछ स्थितियाँ में बना देते हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं उतने अच्छे परिणाम आपको जीवन में कम प्राप्त होंगे। मंगल की महादशा में आपके एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोर्ट केस वगैरह के जो फैसले आएंगे वो आपके पक्ष में नहीं आएंगे, इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। छोटे भाई बहनों को या छोटे भाई बहनों से आपको परेशानियाँ ज़्यादा आपको प्राप्त होगी जीवन में। नौकरी पाने के लिए भी आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ से एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मंगल यहाँ पर रोगेश है, तो कुछ ऐसे ही रोग आपको लगेंगे जो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के रोग होते हैं, वो आपको जीवन में ज्यादा परेशान करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा आप तैयार रहे। और मंगल की इस दशा महादशा अंतरदशा में आप अपने जीवन को रोगों से मुक्त करने के लिए अच्छी तरीके से आप मंगल की कोई ना कोई उपाय करते रहे, जिससे आपका जीवन जो है सुखद अच्छे से चलता रहे। बात करेंगे नाइन्थ हाउस में मंगल के अच्छे बुरे परिणाम देंगे। 90वें घर में मंगल हो जाएंगे नीच के, ऐसा जातक नास्तिक होता है, पितृभक्त नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति पिता का सम्मान नहीं करता है, पिता से इसको बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानियाँ प्राप्त होती है या पिता को इससे प्राप्त होती है। विदेश यात्रा में प्रॉब्लम होती है, छोटे भाई बहनों का इसको साथ नहीं मिलता है, फिजूल व्यय करता रहता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे जातकों को माता भूमि मकान वाहन का हर चीज़ का सुख प्राप्त नहीं होता है, जीवन में हर चीज़ से कमी रहती है। कोई ना कोई परेशानियाँ, वाहन दुर्घटना होना, मतलब कि मकान से परेशानियाँ, माता के साथ लड़ाई झगड़े होना, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती रहती है। मन ऐसे व्यक्ति का अशांत रहता है, जातक बात बात पर चिढ़ने लगता है।
इंटरेक्टिव व्यक्ति होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कभी अच्छी बातें करेगा, कभी कैसी बातें करेगा, यानी कि इसकी बातों का कोई ख्याल नहीं रहता है। कभी कोई सी बात करने शुरू कर देगा तो बिना टोपी के बातें शुरू करने लगता है, ऐसा व्यक्ति होता है। और यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ से मंगल जो है भाग्य भाव से दृष्टि देगा 12th हाउस पर, 3rd हाउस पर और 4th घर पर। नीच की दृष्टियाँ जा रही है क्योंकि वहाँ पर मंगल नीच हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि मंगल के ऊपर हो जाए या चंद्रमा मंगल का योग बन जाता है तो जीवन में निजभंग राजयोग की स्थिति आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपको जो मैंने परिणाम बताए ये अच्छे आपको प्राप्त होंगे और जीवन में आप तरक्की करने वाले होंगे। यहीं पर बात करते हैं, जब मंगल 10th हाउस में विराजमान होंगे तो क्या अच्छे पूर्व परिणाम होंगे। 10वें घर में मंगल हो जाता है दिशा बली, ऐसे व्यक्ति की जॉब बहुत अच्छी होती है, नौकरी बहुत अच्छी तरीके से जीवन में प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को माता भूमि मकान वाहन हर चीज का सुख मिलता है क्योंकि 4th घर पर मंगल की दृष्टि है। और इसके बाद लग्न अग्रेसिव दे देता है क्योंकि लग्न पर मंगल की दृष्टि, एग्रेसिवनेस अच्छी ज़्यादा होती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को होता है, खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति मंगल की चीज़ें मतलब कि तेज तर्रार चीजें पसंद ज्यादा करता है। प्रोफेशनल लाइफ भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी होती है। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बनाने का काम करता है क्योंकि पंचम घर पर इनकी अष्टम दृष्टि जाती है, यह मंगल दिशा बली होते हैं, इस तरीके से हर चीजें आपको अच्छे जीवन में प्राप्त करवाने का काम करेंगे। एकादश भाव में मंगल के अच्छे पूरे परिणाम देंगे। एकादश भाव की बात करते हैं, यहाँ से मंगल 2nd, 5th, 6th घर पर दृष्टि डालेंगे। 2nd हाउस पर मंगल की दृष्टि है तो खाने पीने में थोड़ा सा आपको तेज़तर्रार चीज़ें पसंद करवाएगा। परिवार में ऐसे व्यक्ति के धन का आगमन होता रहता है, जातक का मान जो है बहुत अच्छा रहता है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, भाई बड़े भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे होते हैं ऐसे व्यक्ति का, जानने वालों का एरिया भी बहुत जीवन में अच्छा प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति, कम्युनिटी का एरिया बहुत अच्छा रहता है, इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इनकम बहुत अच्छी प्राप्त करता है जीवन में। पेट में कुछ छोटी मोटी परेशानियां चल रही होती तो वो भी मंगल की दशा अंतरदशा महादशा में दूर हो जाती। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर मंगल बनाते हैं, हर तरीके से अच्छे परिणाम देंगे। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जुबान थोड़ी सी अग्रेसिव होती है जिसकी वजह से कुछ काम भी उसके बिगड़ते हैं, जातक के दुश्मन जो है उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करते, यहाँ पर एक चीज अच्छी होती है। और मंगल की एक सबसे बड़ी बात यह कहूंगा, ऐसे व्यक्ति की जॉब बहुत अच्छी होगी, नौकरी बहुत अच्छी होगी, रॉ ग्रीन शत्रु से हमेशा विजय प्राप्त करने वाला होगा, कर्जा उसको मिलेगा लेकिन कर्ज से भी बहुत अच्छा तरीके से पैसा कमाने वाला ऐसा व्यक्ति हो जाता है। यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे परिणाम देता है। बात करते हैं 12th हाउस में मंगल क्या अच्छे बुरे परिणाम आपको प्राप्त करेंगे। 12वें घर में मंगल 3rd, 6th, 7th घर पर दृष्टियां देंगे। और यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई टेंशन हमेशा बनी रहती है, साझेदारी के व्यापार में ऐसे व्यक्ति को घाटा होता है। मंगल की मां दशा में जातक को पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत से परेशानियां प्राप्त होती है, मन परिश्राम देता है, मेहनत के जो परिणाम ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से मन में एक खिन्नता रहती है, कोर्ट केस हो गए, हॉस्पिटल के खर्चे हो गए, जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हैं। कुछ और कुछ दुर्घटनाओं का योग भी ऐसे व्यक्ति के बनता है। मंगल की मां दशा में ऐसा व्यक्ति जो है जेल यात्रा भी करता है जिससे जीवन में परेशान रहता है। मंगल की मां दशा में व्यर्थ बहुत खर्चा हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, विदेश यात्राएं भी करता है लेकिन विदेश में भी सेटलमेंट की स्थितियां नहीं बनती है। दाम्पत्य जीवन जो है ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कलह से भरा रहता है, दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, दैनिक आय इसको प्राप्त करने में भी परेशानियाँ जीवन में देखने को मिलती है, इनकम सोर्स भी इसको सही से प्राप्त नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, मंगल के व्रत करिए, आपके जीवन में अच्छी परेशानियाँ जो आ रही थी वो दूर हो जाएगी। यहाँ पर मंगल दोष जो बनता है इस वृश्चिक लग्न की कुंडली में अलग अलग भाव में अलग अलग परिणाम देगा, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर मंगल आपको बहुत कम ही मंगल दोष के परिणाम प्राप्त कराता है, लेकिन मंगल की जो भाव स्थितियाँ होती है वो अलग अलग घरों में अलग अलग परिणाम देती है। अगर कुछ परेशानियां वैवाहिक जीवन में आ रही है तो आप व्रत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जहाँ पर आपको मंगल परेशानियां दे रहा है वहाँ पर आपको 8वें और 12वें घर में इनका स्टोन धारण नहीं करना चाहिए, यहाँ पर आप इनके व्रत करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि मंगल वृश्चिक लग्न के 12 भावों में बैठकर क्या अच्छे बुरे परिणाम आपको प्राप्त कराएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।